दोस्तों आज आपका भाई आपका ब्रूडर से हैचर से इंक्यूबेटर से सब चीजों से जान छुड़वाना जाएगा। आज आपको एक ऐसी मशीन दिखाने लगा हूं जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल आएगा, सलूशन निकल आएगा। तो इस तरफ आए दी वन एंड ओनली हमारे खूबसूरत किस्म के टर्की जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है। तो ये हम लोगों ने हैचिंग के लिए रखे हुए हैं सारे, इनके नीचे सारे के सारे जो है बच्चे वगैरह निकलेंगे। ये है फौजी बशीर वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म जिसके ऊपर हम लोगों ने मोरों की वीडियो भी बनाई है, जिसके ऊपर हम लोगों ने कबूतरों की वीडियो भी बनाई है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फ्रीजेंट दिखाने वाले हैं, चिकन दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ टर्की दिखाने वाले हैं। तो टर्की आप लोगों ने देख ली है, अब आप लोगों को हम लोग दिखाने लगे हैं यहाँ पर चिकन में सिल्की में वैरायटी जो कि आपको क्लियरली नजर आएगी यहाँ पर क्वालिटी बर्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नजरे बाद से बचाएं। और जो नेक्स्ट चीज है उसको हम ओपन करने में थोड़ी सी एहतियात करेंगे क्योंकि वो कबूतरों की तरह उड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको सिल्वर के पट्टे पट्टियां नजर आ रहे हैं जो कि अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर इनकी हमारे पास ब्रीड भी आने लग जाएगी। मैं वंस अगेन बताता चलूं चौधरी बशीर वाइल्ड लाइफ फार्म के ऊपर आप लोगों को मोर भी मिलेंगे, कबूतरों में फैंसी में हर किस्म की वैरायटी मिलेगी, चिकन भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको टर्की भी मिलेंगे। यहाँ पर देखें यहाँ पर रेड एंड गोल्डन के पट्टे पट्टियां आपको नजर आ रहे हैं। वैसे तो ज्यादा पट्टियां ही हैं, पट्टे एक दो ही हैं, लेकिन इस सीजन के अंदर ये बर्ड्स ब्रीड करने लग जाएंगे और इनके बच्चे आप लोगों के घरों पे होंगे और अगले सीजन में आप लोग भी इसे ब्रीड ले रहे होंगे। वीडियो फुल देखें, वीडियो के अंदर ही आपको बताया जाएगा इस फार्म पे आके किस तरह से आप लोग ये जानवरों का शो कर सकते हैं। आपकी खिदमत में पेश करते हैं रेड एंड गोल्डन फ्रीजन के मेल और फीमेल। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, लेकिन इसको बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उड़ गए तो पकड़े नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें रेड एंड गोल्डन के काफी सारे पट्टे पट्टियां नजर आ रहे हैं जो कि इस सीजन के लास्ट में हमें ब्रीड देंगे। और एक सामने हमें येलो गोल्डन की फीमेल भी नजर आ रही है। इसके अलावा आप आपको चिकन के अंदर थोड़ी वैरायटी दिखाते हैं जो कि फार्म के उस साइड पे है, तो हम लोगों को काफी दूर जाना पड़ेगा यहाँ से, और जाने के बाद दिखाते हैं कि चिकन के अंदर सरप्राइज में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर आप देखते चलें साथ साथ देखते जाएं, ये आपको कबूतर नजर आ रहे हैं, कबूतरों की वीडियो आ चुकी हुई है। अगर कैमरा थोड़ा उस तरफ घुमा के दिखाएंगे तो पीछे सारे पीकॉक्स नजर आ रहे हैं आपको। जितना सेटअप है सारा का सारा मोरों का है। ये खाने वाले के अंदर सेटअप है और अभी प्रॉपर आपको एड्रेस लेकर देंगे यहाँ पे कि कहाँ पे है सेटअप और आप लोग किस टाइम और कितने बजे तक रब्ता करके यहाँ पे आ सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं सिल्वर स्प्राइट से, माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। इनके एग्स वगैरह बच्चे वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो वो आप दोस्तों के लिए नीचे आते हैं अगर आपको, तो वो नजर आ जाएंगे गोल्डन स्प्राइट नजर आ जाएंगे, तो ये भी आप दोस्तों के लिए अवेलेबल है। आगे हम लोग थोड़ा आ जाते हैं वहां पे, वही माल पड़ा है इसलिए दिखाने का फायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिल्वर फ्रीजन का एक बड़ा फुल मच्योर पेड़ नजर आ रहा है, तो ये भी खोल के आपको भी दिखाते हैं। सिल्वर फ्रीजन का एक फुल मच्योर पेड़ नजर आ रहा है। बाकी चीजें जो है हम लोग छोड़ते हैं फौजी बशीर वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म के ओनर के ऊपर के हमें दिखाए वो क्या क्या पड़ा। अगर सारा कुछ हम ही दिखा देंगे तो वो क्या करेंगे, फर्क बैठे रहेंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि भाई और कौन कौन सी वैरायटी कितनी कितनी क्वांटिटी में उनके पास पड़ी हुई है। बशीर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं जनाब? बिल्कुल ठीक है भाई। सर ये कितने पीस पड़े हैं फ्रेम आपके पास? 16-17 पीस पड़े हुए हैं। कितने ज्यादा कितनी मादियां हैं, ट्रायो के हिसाब से मिलेगा या जोड़ा जोड़ा मिलेगा? पेयर की सूरत में मिलेगा, पेयर की सूरत में मिल जाएगा। बंद रहने दे, यहाँ से नजर आ रहा है बड़ा क्लियरली। ये देखें जी 16-17 पीस पड़े हुए हैं जिसके अंदर सिल्वर स्प्राइट आपको नजर आ रहे हैं, कुछ पॉलिश का भी एक दो पीस नजर आ रहे हैं। तो ये पहले बता देंगे फौजी बशीर वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? जी जिला खाने वाला तहसील कबीर वाला, तो रंगो पुल एक मेन स्टाप है, खाने वाला और मुल्तान दोनों के दरमियान में मेन स्टाप है। आप लोग साथ बने रहे, अभी आपको बताएंगे कि इनसे रब्ता किस तरह से होगा कॉल पे। तो ये हैं सिल्वर गोल्डन स्प्राइट, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक है। ये पट्टे पट्टियां, ये पट्टे पट्टियां, ये कितने पीस हैं? ये भी 16 पीस हैं। ये क्या जुर्माना होगा सारे किसी को चाहिए हो तो इकट्ठे? फिलहाल तो आपको 5000 में पेयर मिलेगा, 5000 में जोड़ा मिलेगा, जोड़ा मिलेगा। और अगर कट्ठे चाहिए होंगे तो फिर थोड़ा सा लेस हो जाएगा, ऊपर नीचे काट लेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम इस तरफ। बशीर भाई कितनी उम्र का ये फ्रीजन? 3 साल का हो चुका है। लहिंगा आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लहिंगा आ रही। सीजन स्टार्ट हो चुका है, होना है अभी, अभी मार्च में इसका स्टार्ट होना है, मार्च में स्टार्ट होना है। आगे चलते हैं। अच्छा ये जो हमें सिल्की नजर आ रही है यहाँ पे काफी सारे, खोलें जरा इसको, हमें यहाँ पे काफी सारे सिल्की नजर आ रहे हैं। इसमें नर कितने, मादियां कितनी हैं? एक मेल और 4 फीमेल। एक मेल और 4 फीमेल। अंडा दिखा दें कि ये अंडे दे रहे हैं, लिंक पेयर हैं, 3 अंडे, मतलब एक दिन में 3 अंडे आए हैं? हाँ, एक दिन में 3। बैठे जरा साथ इनके, अंडे दिखाएं जरा आपको भी थोड़ा बहुत। लेकिन माशाल्लाह से बशीर भाई ने 3 अंडे उठा लिए हैं, हमारी बरकतों पे अंडे आ गए। 3 मादियों ने अंडे दिए, एक कल दे देगी। अच्छा ये सेट पूरा का पूरा मिल जाएगा या इसमें कुछ रखना है आपने? पेयर मिल सकता है, पेयर मिल सकता है, क्योंकि 4 मादियां एक नार है ना, एक्स्ट्रा नार मेरे पास खड़े हैं। खड़े हैं, आ जाएं फिर उस तरफ चलते हैं। ये अंडे भाई को पकड़ा दें,
अच्छा बशीर भैया बाहर आ जाए। अच्छा फिर से आगे मैं सिल्वर का एक सेट नजर आ जाता है, इसके बच्चे भी सीजन के अंदर मिल जाएंगे आपको जल्दी। और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी इनसे पूछना हो तो आप लोग इनको रब्ता करके पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल भाइयों वाला हिसाब है। फुल लेस लैस और ये तकरीबन 3-1 साल का होगा ना सेट? 3 साल। अच्छा ज्यादा है ज्यादा 2 मादियां इनफ है इसके साथ की और भी लग सकती हैं? नहीं 2 से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 2 से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टर्की के बच्चे नजर आ रहे हैं और बशीर भाई कह रहे हैं कि आप जब आएंगे अगली बार तो हमें कितना बच्चा मिलेगा यहाँ पे? इंशाल्लाह 1200 के लगभग बच्चा मिलेगा। कितना अंडा देती है एक सीजन के अंदर ये? एक मादा 950 देती है। और दाने में क्या क्या आप इनको दे रहे हैं? बस बाजा और गन्नम। आपने रखे किस पर्पज के लिए? ब्रीडिंग के लिए या इनके नीचे हैचिंग करवानी है या फिर आप इसका गोश्त खाना चाहते हैं या अंडे खाना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये एक गोल्डन मेरा शौक है, उसके बाद इसकी अंडे की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बच्चा का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकंडली आप इसको मोर के अंडे पे बैठा सकते हैं और ये इतनी सिंपल चीज़ है कि 8-9 महीने इसको लगातार बैठा सकते हैं इजी हालत में, ये बैठी रहेगी, ये बैठी रहेगी और वीक भी नहीं होगी, बीमार भी नहीं होगी, मरेगी भी नहीं। इसको फीड प्रॉपर देते रहे, सब्जा भी देते रहे तो इंशाल्लाह वीक नहीं होगी। जब तक बच्चे नहीं निकलेंगे इसे उठना नहीं है, इसने नहीं उठना। मेन मतलब मकसद ये है कि आप मोरों की ब्रीडिंग करवाते हैं क्योंकि आपका मोरों का सेटअप माशाल्लाह जहां तक नजर जाती है मोर ही मोर लगा हुआ है, तो मोरों के लिए आप प्रॉपर करवाते हैं, मोरों के लिए भी रखे हैं। सेकंड इनकी से बच्चा भी लेते हैं जो तकरीबन 1000-1100-1200 होता है, जो हर छोटा बच्चा इजीली निकल जाता है, इजी हालत में सेव होता है। लेकिन खर्चा पूरा कर जाती है अपना ये? जी बिल्कुल, सब्जी इसमें ज्यादा खाने होते तो सब्जी पे तो इतना खर्चा नहीं होता। सही हो गया, आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमें नजर आते हैं सिल्की के और सेट। अच्छा इन सिल्की के सेटों का हिसाब है, ये भी वो पेड़ के हिसाब से मिलेगा? ये भी पेड़ के हिसाब से, लेकिन इसमें एक इसमें 2 फीमेल है बाकी सारे मेल है। अच्छा यानी कि 2 मेल 1 फीमेल मिल सकती है, 1 फीमेल 2 मेल नहीं मिल सकती? वो मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन समझ गए लोग मैंने कहा क्या है। अच्छा ये इसके बारे में बताएं जरा, ये कब तक रेडी हो जाएंगे? ये इंशाल्लाह मार्च में ये भी ब्रीड करेंगे, मतलब ये बच्चे पता है अभी इसका सीजन आउट है इस वजह से इसी साल के अंदर ब्रीड करेंगे अगले साल में मार्च में। मुझे एक चीज बताएं कि ये जो बच्चे हमें नजर आ रहे हैं ये वाले बच्चे आपके वाले बड़े जोड़े उनमें से आए हैं? ये उन्हीं के बच्चे हैं इसी साल के। कितने जोड़ों में से बच्चे लिए हैं? ये दो, एक तेर था और एक साल था। सीजन कितने अरसे में ब्रीड कर जाता है? एक साल में ब्रीड करते हैं ये, इसी सीजन में ब्रीड कर जाएंगे। अगर साल तो खत्म होने लगे ये सीजन स्टार्ट हो गया, मार्च में सीजन स्टार्ट होगा तो उसमें चेक से मिलेंगे। ठीक है, ये रेड गोल्डन लगा हुआ है और ये मेरे ब्रीडर सेट लगे हैं माशाल्लाह, बहुत लैस है, खूबसूरत है, चमक रहे हैं, अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत है, एक एक पीस लैस खूबसूरत है। और अंडे उंडे आने लगे बशीर भाई के? नहीं अभी, अभी इसका मार्च में इसकी ब्रीड आनी है। अच्छा मार्च से पहले ब्रीड ही नहीं आएगी? ये अभी ब्रीड नहीं आएगी, मार्च से जून जुलाई तक इसकी ब्रीड आएगी। तो ये उस टाइम मेल कट्ठे रह सकते हैं जब ये ब्रीडिंग करते हैं? नहीं कट्ठे रह सकते, फिलहाल ये कट्ठे करे हैं, अभी जब फरवरी में इसको फिर अलग कर दिया जाए। अच्छा जैसे ब्रीडिंग स्टार्ट होती है ये गुस्सा कर जाते हैं एक दूसरे पे? गुस्सा करते हैं। सही है, इसका जुबानी फिर बता दें क्या है ये? ये भी उन्हीं के पट्टे पट्टे जो मेरे पास ये ब्रीडर आपने, ठीक है बंद रहने दें उड़ना जाए। ये आप ये जो ब्रीडर आपने देखे ना उन्हीं के इस साल के चेक है, इन्होंने भी ब्रीड करनी है, ये भी मार्च में कर जाएंगे, ये भी मार्च में ब्रीड करेंगे। टोटल कितने महीने लेते हैं ब्रीड करने में? तकरीबन 1 साल मैक्सिमम, 1 साल लेते हैं। अच्छा बशीर भाई ये फार्म का एड्रेस बताएं जरा प्रॉपर। जिला खानेवाल तहसील कबीर वाला, ठीक है, मेन स्टाफ रंगो पुल, ठीक है, फौजी बशीर वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म। हाँ वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर शुदा फार्म है मेरा, 03-0-700-736-79-72। जिस दोस्त को कोई मशवरा चाहिए फिर सभी लल्ला दूंगा, अगर किसी दोस्त को कोई करना चाहे पूरी ईमानदारी से जो चीज़ दिखाऊंगा वही दूंगा। जी जी, बाकी दोस्त यहाँ पे आके तसल्ली करके लेके जा सकते हैं, उनको जो भी चीज चाहिए तो बहुत अच्छा है। अगर कोई दोस्त दूर बैठा है तो वो नहीं आ सकता तो इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से अच्छा परिंदा जाएगा, जो दिखाया जाएगा वही जाएगा। बेहतरीन है, बेहतरीन है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपसे मिलके, आज के लिए इतना ही, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।